फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। आज किस वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि अब नहीं करनी पड़ेगी आपको रेलवे सीट के लिए टीटी की विनती, यानी आज से आप उन्हें नो कह दीजिए। मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं और आपने वेटिंग लिस्ट में ले ली है टिकट और आपकी चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी टिकट्स क्लियर नहीं हो रही हैं, तो अभी रेलवे ने आज ही सूचना जारी की है, रेलवे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी ने, कि अब आपको हम ऑनलाइन ये सुविधा दे देंगे कि जिस ट्रेन से आप सफ़र करने वाले हैं तो चलने से पहले, उस ट्रेन के चलने से आधे घंटे पहले आपको ये अपडेट मिल जाए कि इस ट्रेन में किस बोर्डिंग पॉइंट से किस बोगी में, यानी किस कोच में कितनी सीट खाली है। तो ये कितना ही अच्छा हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने रिजर्वेशन करा लिया, चार्ट प्रिपेयर हो गया चलने से किसी ट्रेन के डिपार्च होने के 4 घंटे पहले, लेकिन आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, ओके, और आपकी ना कैंसिल हुई। तो इस केस में अब क्या होगा कि आपको टीटी से ये नहीं करना पड़ेगा कि सर देख लीजिए कोई टिकट्स, ये मेरी टिकट है और कोई कोच खाली हो, कोई सीट खाली हो तो मुझे देख बता दीजिए। उससे क्या होता था कि घूस के चांसेस बढ़ते थे, खाली ना होने पर भी कोई कह देता था कि खाली नहीं है और आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर के आपको सीट दे दिया करते थे, प्लस रेलवे के चार्जेस के साथ। तो अभी क्या किया गया है कि इसके लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये सुविधा लॉन्च कर दी गई है। यहाँ आपको irpt.co.in पर ही लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे, इस पर आपको किसी आईडी और पासवर्ड की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जाएंगे और जैसे यहाँ पर जाएंगे या irpt गूगल में इंटर करें या मोबाइल पे चलाएं या लैपटॉप पे चलाएं, किसी में भी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जैसे ओपन होगा यहाँ नीचे जाना पड़ेगा, नीचे चार्ट्स एंड बैकएंड, ये जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे, चार्ट्स एंड बैकएंड पे जाना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आपको ट्रेन का नंबर डायल करना है, जैसे मान लीजिए आज एक ट्रेन चलने वाली, कोई भी ट्रेन जिस ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हैं, उसी ट्रेन का आपको नंबर डायल करना पड़ेगा, यानी ट्रेन नंबर लिखना पड़ेगा और उसके बाद जिस स्टेशन से आप देखना चाहते हैं कि किस स्टेशन से खाली है, मान लो जैसे ये दिल्ली से चलती है तो हम दिल्ली से देखना चाहें, उसके आगे के बोर्डिंग पॉइंट को देखना चाहें, तो हम करेंगे क्लिक उस स्टेशन का नाम और यहाँ से लिखेंगे गेट ट्रेन चार्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो में रीडायरेक्ट कर देगा और आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दिख जाएगी कि यहाँ बोर्डिंग स्टेशन ये है, आपके किस कोच में किस किस बर्थ में कितनी वैकेंट प्लेसेस हैं। अब मान लीजिए ये जहाँ से चल रही ओरिजिन स्टेशन से ही, इसमें कोई भी वैकेंट सीट नहीं है, तो वैकेंट की स्टेटस ये बताएगा आपको गाड़ी के डिपार्च होने के आधे घंटे पहले। जैसे इस ट्रेन का टाइम है 9:21 चलने का, यानी स्टेशन से डिपार्च होगी, तो आपको ये 9 बजे यानी 8:50 या 55 मिनट पर आपको ये स्टेटस बता देगा कि कितनी सीट खाली है या नहीं। अभी हम आपको इसको देख लेते हैं, अभी हमने देखा था कि इस पर कोई भी वैकेंट सीट नहीं बता रहे थे, यानी 0 बता रहे थे, तो ये क्या था, ट्रेन चलने से आधे घंटे पहले की सूचना पे ये चार्ट प्रिपेयर होता है, यानी 9:21 पर इस ट्रेन का टाइम है आनंद विहार चलने का। तो अभी हम देख रहे हैं 8:47 हो रहे हैं, तो अभी जैसे गेट ट्रेन चार्ट करूंगा तो ये इस तरह से अब विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर जिस कोच में आपको देखना है वो देख लो, स्लीपर में मान लो है तो स्लीपर में देखोगे, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने आप स्टेटस आ जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए S1 में एक बर्थ खाली है, S1 में ये 2 बर्थ खाली है लोअर की, यानी किस टाइप की बर्थ, अपर लोअर मिडिल जो भी साइड अपर जो भी है खाली है ये कर सकते हैं। तो ठीक है, आप टीटी से जाएं और बोलेंगे कि हमें इस बर्थ में ये सीट चाहिए, तो वो आपको बुक करके दे देंगे। एक्चुअली क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए किया गया है, आप इस सूचना को रेफर कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि पैसेंजर को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो टीटी के पीछे भागे ना कि किस सीट में कितनी खाली है तो आप मुझे वहाँ पर बर्थ दे दें। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे लोगों को पता चल सके इस नए रूल्स के बारे में, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितना यूजफुल रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।